कॉलेज में पढ़े हो, उसका जो कंपन है, कंपन आप तो समझते हैं, तो फर्स्ट होता था, हाँ, फर्स्ट सेकंड बॉय या गर्ल सबसे बेस्ट है, हाँ, उसको आप देख लो वो 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल तक कहाँ पहुंचा। वो क्या करते हैं, या तो उसको डॉक्टरी मिला होगा, इंजीनियरिंग मिला होगा, या लॉ पढ़ाई कर रहा है, या चार्टर अकाउंटेंसी कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। उसको अपना पढ़ाई खत्म करने में अगर इंजीनियरिंग भी करता है तो 22 से 23 साल लग जाता है, डॉक्टरी करता है तो 25 साल तक लग जाता है, उसके बाद वो कोई भी एक नौकरी लेता है उसको उसमें एस्टेब्लिश होने में 2 से 3 साल लगता है, या समझो, वो अपना कोई एक आइडेंटिटी अच्छा से बना लेता, हाँ, अपना कोई कार्ड लेता, कम से कम 27-28 साल का पहले होता नहीं होता। मैं किसका बात बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट से बेस्ट लड़का लोग भी 27-28 एज में आके थोड़ा बहुत स्टेबल होता, ये सुन लो। और डायरेक्ट मार्केटिंग में आप स्मार्ट मनी में कितना लोगों को देखना चाहोगे जो 20 साल 21 साल में अपना कार्ड ले चुका है कि नहीं है? Yes. हाँ, आप लोग कहीं लीडर यहाँ पर बैठे हुआ, आ जाए पंकज कुमार। पंकज, तुम जब गाड़ी लिया था तब तेरा उम्र कितना था? 18 साल। कितना था? 18 साल। 18 साल, 18 साल की उम्र में अपना कार लिया, हाँ? क्लास में तू फर्स्ट होता था क्या? ये रियलिटी समझो, ये कोई भी प्रोफेशन में जाता, कोई भी प्रोफेशन में 18, 19, 20, 21, 22 साल में किसी का कार हो सकता है? विदेश अपना पैसा से घूम के, पिताजी घुमा के लेके की अलग बात होता है, खुद अपना अचीव करके विदेश घूम के आया होता है? नहीं होता। पिताजी का पैसा से बहुत आदमी विदेश पढ़ना चाहता होगा, मगर खुद इनकम से नहीं कर पाता। तो आज का दिन में ये जगह है, तो पंकज के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। अपना खुद का पैसा से खरीदा फोर व्हीलर लेके जा रहा है। ये दूसरा कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ाई लिखाई में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने का रास्ता तो बहुत है, मगर कम पैमाने पे अपना अचीवमेंट करने का अगर रास्ता है तो डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सोल्ड करना। ये इस प्रोफेशन को फर्स्ट होने का पहला रीजन। समझ में आ रहा? दूसरा रीजन क्या है? वो है टाइम कंपाउंड। चाहे मैं कितना भी टैलेंटेड हूं, मैं अगर नॉर्मल वे से नौकरी करता तो आज का दिन में मेरा कम से कम 2 से 3 लाख रुपया सैलरी होता। कितना होता? 2 से 3 लाख। 2 से 3 लाख रुपया मिनिमम सैलरी होता, क्योंकि मेरा जितना भी दोस्त है, हाँ, वो लोग आज के दिन में कम से कम 2-3 लाख रुपया के नीचे किसी का सैलरी नहीं है। तो मैं अगर नॉर्मल आज का दिन में नौकरी भी करता तो 2 से 3 लाख रुपया मेरा सैलरी होता। तो मेरा टैलेंट का हिसाब से मैं कितना कमा लेता? 3 लाख। yes. और इस साल में स्मार्ट वैल्यू से कितना कमाया? ज्यादा नहीं, 1,30,00,000। कितना कमाया? 1,30,00,000। अरे 60 लाख के ऊपर तो सिर्फ बोनस मिला। yes. सिर्फ इस साल। yes. ये पूरा जिंदगी का कमाई नहीं है। आदमी पूरा जिंदगी का हिसाब करते हैं, सिर्फ इस साल है 1,30,00,000 इनकम हुआ है। तो अगर मैं महीना में डिवाइड करूं लगभग 11 लाख। तो मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, आईएएस ऑडिटरशिप का पढ़ाई किया, तुम्हारा कंप्यूटर के ऊपर आज से 20 साल पहले का मेरा ई कॉमर्स का इंटरनेशनल डिग्री है, इतना कुछ क्वालिफिकेशन मेरे को 3 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता है कि नहीं है? Yes. मगर 3 लाख इनकम 11 लाख में गया, हाँ? तो एक्स्ट्रा 8 लाख इससे आया? स्मार्ट स्मार्ट वैल्यू नहीं, टाइम कम। स्मार्ट वैल्यू तो दे रहा है, मगर किस सिस्टम से दे रहा है? टाइम कम। मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग मेरा टीम में काम कर। यहाँ पर एक लड़का मैट्रिक पास लड़का आके फोर व्हीलर ले लेता है, क्यों? उसका अपना औकात के हिसाब से वो 10,000, 12,000, 15,000 के ऊपर सोच नहीं पाता। yes. जिंदगी 20-25 हजार में खत्म हो जाता।
मगर क्यों आज का दिन में वो फोर व्हीलर ले रहा है, आज का दिन में 1,00,000 रुपया कमा रहा है, क्यों उसका टीम में उससे ज्यादा क्वालिटी आदमी है जो मेहनत कर रहा है। आप खुद जितना भी टैलेंटेड हो मगर आप दूसरा किसी को आपका टीम में बिना आपका खर्चा करके मेहनत करा सकते हो? बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उन लोग पैसा क्यों से कमाता है? आज टाटा अंबानी भी अगर किसी को तनख्वाह नहीं देगा उसके लिए काम करेगा? नहीं करेगा। तो टाटा अंबानी भी जो नहीं करा सकते हो आप कर सकते हो, आप बिना तनख्वाह देकर आपका नीचे लोग काम करा। ये डायरेक्ट मार्केटिंग से हो सकता है, दूसरे कोई प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकता। ये समझना पड़ेगा ये प्रोफेशन क्यों डायरेक्ट मार्केटिंग को करियर बनाना है। पहला लाइन मैंने बोला कि जो अपना हिसाब से जो टाइम एज का हिसाब से कमा तो रहे हैं मगर नॉर्मल प्रोफेशन में जितना कमाओगे उससे ज्यादा कम उम्र में कमा लोगे, सही ना? ये दूसरा मैंने बोला कि टाइम कंपाउंडिंग, और तीसरा वही सिक्योरिटी। आप जितना भी टैलेंटेड हो जाओ, आप जिंदा हो काम हो रहा है, आप नहीं है इनकम नहीं, उससे भी डेंजर है। आप जिंदा हो मगर इनकम नहीं है, आप नहीं है इनकम नहीं है, और बाकी लोग समझेगा। मगर आपका ऐसा कुछ हो गया, आप पैरालिसिस होके बेड पे पड़े हुए हो, आप काम नहीं कर सकते हो, अब कितना भी क्वालिफिकेशन हो आपका घर में आपके पैसा देके जाएगा, धक्का देके जाएगा? नहीं देगा भाई। इसका मतलब जब तक आप काम करने लायक रहोगे तब तक आपका पैसा आएगा, जब आप काम करने लायक नहीं रहोगे आपका पैसा नहीं आएगा। ये सिस्टम का क्या है कि आप नहीं रहने से भी आपका टीम में काम होगा। अभी इस बार थाईलैंड गया था जो ग्रुप, उसमें कौन थे तुम लोग? तुम था ना अभी जो गया था उसमें? देखोगे छत्तीसगढ़ से एक लेडी गई थी, कौशल बोल के मेरा एक लीडर था, कौशल जांगड़े, पूर्णिमा एग्जैक्टली कौशल जांगड़े। कौशल का देहांत हो गया पिछले साल, कौशल दुनिया छोड़ के चला गया, बाइक एक्सीडेंट से उसका डेथ हो गया। उसका जगह पे उसका बीबी थाईलैंड घूम के आई, आज उसका बीबी अचीवर बन गई है, उनका फैमिली चल रहा है, उसका दो बच्चे हैं, उसका बच्चे का इनकम आ रहा है, क्योंकि उसका हस्बैंड स्मार्ट बिल्डिंग में काम करके गया था। ये सिक्योरिटी कोई नहीं है। आप कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाओ, कितना भी बड़ा इंजीनियर बन जाओ, आप कितना भी बड़ा लॉयर बन जाओ या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, आप नहीं रहोगे तो आपके लिए कोई पैसा नहीं है। ये सिस्टम समझ में आ रहा क्यों इस करियर है? तो सबसे बेस्ट क्या है? ए भाई उसको उठाओ, तुम नहीं तुम जाओ पानी देके आओ, बैठ बैठ के सो रहा है कि आप लोग सबसे बेस्ट प्रोफेशन में जो डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोफेशन। तो मैं सही बता रहा हूं, यहां पर आप लोग मैक्सिमम लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लोग में जो क्लास पॉइंट है कि वो लोग में एनर्जी ज्यादा है, वो लोग काम कर सकते हैं, टाइम ज्यादा दे सकते हैं, सब कुछ अच्छा है, मगर एक चीज का कमी है, वो दुनिया को फेस किया ही नहीं था, उसको पता नहीं दूसरा जगह से इनकम करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। मैं 6 साल नौकरी करके आ चुका हूं, स्मार्ट वेल्यू आने का पहले मैंने 6 साल नौकरी किया होगी, छोटा मोटा नौकरी नहीं किया, टॉप लेवल का ऑफिसर लेवल का नौकरी 6 साल कर चुका हूं, तो मेरे को पता है कि नौकरी करके इनकम करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ते हैं। तो ये जगह में जो है ना, स्मार्ट वेल्यू में जब आप इनकम कर रहे हो ना, आपको समझ में नहीं आता कि नॉर्मल लाइफ में कितना मेहनत करना पड़ता है, और उसके बाद भी टेंशन क्या रहता है, इनसिक्योरिटी क्या फीलिंग्स आता है। मेरा एक दोस्त TCS में नौकरी करता है, करीब करीब 3 लाख का आसपास उसका सैलरी है। एक दिन बात हो रहा था, बोल रहा था आजकल का दिन में मैं ऑफिस जाता हूं हमेशा एक टेंशन लेके, पता नहीं आते वक्त पिंक स्लिप थमा देगा। पिंक स्लिप मतलब जानते हो नौकरी में? पिंक स्लिप मतलब बोलता है कि आज से आपका नौकरी खत्म हो रहा है।